हेलो फ्रेंड, मैं सुशांत और स्वागत है आपका फिर से ज्ञान अंकन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आप उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ से जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस दो तरीके के यूज करके आप इस ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है दोस्तों ऑफलाइन तरीका, जो कि दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है इस ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा तरीका है ऑनलाइन तरीका, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन तरीके के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना बैंक ब्रांच में जाना है, ठीक है। बैंक ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों वहां पे एटीएम अप्लाई करने का एक फॉर्म होता है, आपको सिंपली उस फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। फॉर्म फिल करते टाइम दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना है, जो कि दोस्तों फॉर्म में एड्रेस लाइन होगा, आपको सिंपली उस एड्रेस लाइन में अपना मोबाइल नंबर जरूर डालना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के रूप में दोस्तों आप अपना बैंक पासबुक का आप जीरोक्स कॉपी दे सकते हैं और दोस्तों आप अपना आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जमा कर देना, जमा करने के बाद दोस्तों आपको कुछ दिन के बाद आपको एटीएम कार्ड अपना मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि आपको एटीएम कार्ड कब मिलेगा तो दोस्तों इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप तुरंत एटीएम कार्ड चाहिए आपको तो दोस्तों इसके भी बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके भी जरूर देखेगा, जिससे दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि दोस्तों आप तुरंत एटीएम कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि दोस्तों आप ऑनलाइन तरीके से इस ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ आपको कि दोस्तों अभी जो है ऑनलाइन तरीके से इस ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एटीएम अप्लाई के लिए सुविधा नहीं दिया गया है इस ग्रामीण बैंक में, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है आगे चलकर आपको ऑनलाइन सुविधा मिल जाए एटीएम अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करना आप लोग को भूलना नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।